तो आज हमारे नेबर्स घर पे आए थे तो मम्मी से बोलने लग गए, आप तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हो, काश मैं भी खा पाती ये सब चीजें। मम्मी ने बोला आप लोग क्यों नहीं खा सकते, तो कहने लगी यार मैं तो डाइट पे रहती हूँ, ये सब चीजें खा ही नहीं सकती हूँ, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बस फिर हमें भी मिल गया अपने कंटेंट का आइडिया और ये रेसिपी वहां से ही ईजाद हो गई। जब हमने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था तो घर में जो सब्जियां थी वही डाल दी थी, लेकिन आंटी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सारा खत्म कर दिया, हम तो टेस्ट ही नहीं कर पाए। बस फिर शाम को डिसाइड करा कि दोबारा से बनाते हैं और रेसिपी भी शूट कर लेंगे। सोयाबीन में जो मर्जी चाहे वो सब्जी आप डालो, रोस्टेड जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और धनिया भी डाल दो। इसके बाद मूंगफली, मिर्च और दही को ब्लेंड करके एक ड्रेसिंग बनाएंगे जिसे सोयाबीन में अच्छे से कर देंगे मिक्स, तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सोयाबीन चाट तैयार है। ऐसी और रेसिपीज के लिए चैनल को विजिट करो और बस मजेदार मजेदार रेसिपीज बना के ट्राई करो।